दोस्तों इन दिनों आने की समस्या हो या आई इन्फेक्शन हो या फिर आई फ्लू हो ये समस्या जो है बहुत तेज़ी से यानी कोरोना से भी तेज़ी से फैल रहे हैं ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें इन दिनों आई इन्फेक्शन की समस्या न हो लोग ठीक होने के लिए आई ड्रॉप्स और एंटीबायोटिक्स का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन आज मैं आपको आई फ्लू को ठीक करने वाले घरेलू रामवान उपाय के बारे में जानकारी दूंगा जिसका उपयोग करके आप आई इन्फेक्शन में पहले ही दिन से राहत प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों वीडियो शुरू करें उन देसी नुक्सों के बारे में जाने हम यह जाने कि घर पर ही इस बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है और हमें क्या क्या बचाव करना चाहिए उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक करना न भूलें दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम लोग शहद की शहद आँखों की इस बीमारी को ठीक करने में आपकी मदद कर सकता है क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं आई फ्लू में शहद का इस्तेमाल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं एक गिलास पानी लें उसमें दो चम्मच शहद मिलाएं फिर इसी पानी से आँखों को धोएं शहद वाले पानी से आँख में होने वाली जलन जो है और दर्द जो आँख में होता है उससे जल्दी आपको राहत मिल जाएगा इसके अतिरिक्त आप इसको ठीक करने के लिए गुलाब जल का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों आई फ्लू से निजात पाने के लिए गुलाब जल का भी इस्तेमाल करना काफ़ी फायदेमंद है क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं जो इन्फेक्शन पैदा करने वाले कीटाणु को मारते हैं उनसे लड़ते हैं और आई इन्फेक्शन्स में आराम देते हैं तीसरा है दोस्तों तुलसी तुलसी तो हर घर में मिल जाता है दोस्तों तुलसी जैसा कि आप जानते हैं कि इसके कई औषधीय गुण होते हैं जैसे कि इसका उपयोग आप खांसी में भी करते हैं लेकिन यह आपकी आंखों के लिए भी बहुत फायदेमंद है क्योंकि इसमें भी एंटी और एंटी दोनों गुण पाए जाते हैं तुलसी के कुछ पत्तों को क्या करना है दोस्तों कि पानी में भिगो करके रात को रख देना है और सुबह उसी तुलसी वाले पानी से आँख को धो ले रहा है जिससे आपको कंजक्टिवाइटिस आई इन्फेक्शन आई फ्लू पिंक आई इन सारी बीमारियों में आपको राहत मिल जाता है और चौथा है दोस्तों हल्दी हल्दी में भी एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाया जाता है हल्दी में मौजूद जो दोस्तों औषधीय गुण हैं वो क्या करते हैं कि आँख में होने वाले संक्रमण मन एन बैट ट्रियल इन्फेक्शन को रोकने का काम करते हैं और उसको खत्म करने का काम करते हैं थोड़े से पानी में क्या करें दोस्तों आप कि हल्दी को आधा चम्मच मिला दें हल्दी पाउडर को मिला रहे हैं दोस्तों और इसके बाद क्या करना है कि जो जिस पानी में आपने मिलाया है उसमें रुई भिगोएं और रुई भिगोकर आंखों आँखों पर लगाएं इससे क्या होगा आँख की गंदगी आपकी साफ़ हो जाएगी और दर्द एवं जलन से तुरंत आपको राहत मिल जाएगा आप अगर इन नुसों का प्रयोग करेंगे घर पर भी तो आपको कोई दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपका इन्फेक्शन आई का जो है वह ठीक हो जाएगा लेकिन अगर आपका आई इन्फेक्शन ठीक नहीं होता ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें